नमस्कार, मैं हूं आशीष शमीम। P3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, महिला सशक्तिकरण में काफ़ी जोर दिया जा रहा है और महिलाएं अपने रोज़गार के लिए काफ़ी आगे आ रही हैं। ऐसे में माही फाउंडेशन, जहां पर हम अभी मौजूद हैं, वहां पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक काम किया जा रहा है। इसके बारे में हम यहाँ के सेक्रेटरी से जानेंगे, ब्रीफ वही करेंगे। नमस्कार मैम, P3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या है माही फाउंडेशन, इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं? माही फाउंडेशन एक NGO है जिसके द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी दी जाती है, और वो सैनिटरी पैड जो है वो प्लास्टिक फ्री है। प्लास्टिक से होने वाले बीमारियों के बारे में बताया जाता है, और स्पेशली इस बात पे जोर दी जाती है कि जो भी हम मार्केट में यूज़ करते हैं वो जो पैड है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये कम्प्लीटली बटर पेपर से बना हुआ है, जो कि महिलाओं के लिए, के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मतलब इसमें एक तो महिलाओं को अवेयर करती हैं आप, ऊपर से इसमें सिर्फ महिलाओं को ही जोड़ा जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, महिलाएं तो जुड़ ही रही हैं, बट इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो खुद अपनी महिलाओं के प्रति, उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर सोच रहे हैं, इस माध्यम से भी वो जुड़ रहे हैं इसमें। तो इसमें आप महिलाओं को अवेयर कराती होंगी, तो कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम वगैरह कराती हैं? हाँ, हर मंडे एक तो हमारा वो क्लोजिंग चलता है, जिसके द्वारा उसमें कुछ कुछ प्रोग्राम तो होते रहते हैं, प्लस जो महिलाएं जिस स्तर तक की अचीवमेंट प्राप्त करती हैं उन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, साथ में उन लोगों को पैसे मिलते हैं, जो इससे जुड़ी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो और आगे। हाँ, जितने लीडर हैं उन लोगों को बुला के ये बताया जाता है कि आप और भी अच्छा वर्क करो तो आगे आप लोगों को और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो कितना महिलाएं जुड़ पाई हैं इनसे अब तक? अभी तक 3,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, और काफ़ी रांची के मैक्सिमम एरिया को इसने कवर कर लिया है। जो मार्केट में पैड्स आते हैं उसके रेट और इसके रेट में कोई डिफरेंस? डिफरेंस तो है रेट में काफ़ी, बट रेट का क्या है, मेन तो देखा जाता है कि आपका मत आप हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, कैसे डिफरेंट कैसे है ये बाकी पैड्स से। जब हम लोग माही केयर के बारे में जब जाने थे तो हम लोगों के पास भी सबसे पहले इस तरह का पैड आया था, और उस वक्त हम लोग बहुत सारी कंपनी के पैड को यूज़ करते थे। तो हम तीन फ्रेंड हैं, हम तीनों ने मिलकर उसको घर में ही तीनों का डेमो लिया, जैसे विस्वायर, स्टेफ्रिया, बहुत सारी कंपनी के, उसको हम लोगों ने डेमो में, हम लोगों ने देखा कि इसका जो ऑब्ज़र्व करने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो आगे क्या कहना चाहेंगी महिलाओं से? मैं तो महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग पैसे को ना देखते हुए आप इस सोच पे कि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उस अभियान के थ्रू इस पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें, इस पर मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ। मैं जब भी आती हूँ मीटिंग में तो स्पेशली मेरा ये कहना है कि आप किसी को पैसे के लिए ना बताएं, पैसे तो मिलने ही हैं, जब हम जुड़ेंगे तो इसमें पैसे मिलेंगे, बट इसके द्वारा जो मेन हमारा जो थीम है, जो हम ले कर चल रहे हैं, जो सोच ले कर चल रहे हैं, वो है हमें, हम जो महिलाएं हैं, मतलब अगर हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा भारत भी स्वस्थ बनेगा। बताइए मैम, आखिर ये माही फाउंडेशन है क्या, महिलाओं के लिए कैसे बेनिफिशियल है? महिलाओं के लिए तो ये रोज़गार दे रही है, और लोगों को बता रही है, यूज़ भी कर रही है, प्लास्टिक फ्री से, मतलब प्लास्टिक फ्री है, रोग से भी मुक्त हो रही है, और लोगों को अपना रोज़गार ला रही है, कर रही है। पैकेजिंग कैसे होता है यहाँ पे? पैकेजिंग आती है महिला, वो अपना करती हैं, एक पैकेट का 50 पैसे मिलते हैं, और जैसे जितना हो जाता है उनको उतना उसी दिन मिल जाता है, उसी दिन मिल जाती है। वो पैकेजिंग में भी एक रोज़गार का साधन बन जाता है पैकेजिंग। तो इसमें जो पैड है ये कितना डिफरेंट है मार्केट वाले पैड से, और कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए? डिफरेंट तो है ये, तो बाहर जो मार्केट में है वो प्लास्टिक है, और ये तो बटर पेपर से बना है, तो इसका जो ऑब्जर्व है ज़्यादा है, और मार्केट ज़्यादा है इसमें, और ये जैसे कि प्लास्टिक जैसे मार्केट वाला से यूज़ करते हैं उससे इचिंग वगैरह होता है, इसमें ये सब नहीं है, इचिंग नहीं होता है। ये आपने खुद पहले यूज़ किया तब देखा तब बता रही हैं या फिर? नहीं, पहले यूज़ की पता चला तब मैं लोगों को बताती हूँ, तो वो लोग भी यूज़ करती हैं, तो मैंने उनसे सबसे पूछा कि कैसा लगा, तो वो लोग भी बताती हैं, हाँ अच्छा है, मार्केट से अच्छा है। मार्केट में मिलते हैं उसका ये पैकेट जो होता है वो भी प्लास्टिक होता है, लेकिन जैसे हम लोग का माही केयर का हम लोग का भी कवर भी है वो भी पेपर का है, और अंदर जो है पैड, सैनिटरी पैड, वो भी पेपर से बना है, बटर पेपर से बना है, जो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और महिलाओं के लिए भी अच्छा है। इससे जुड़ती हैं तो क्या प्रोसीजर क्या है इससे जुड़ने का, फिर इसको आगे बढ़ाने का?
जैसे मैं इस संस्था से जुड़ी तो मैंने फिर तीन को बताया, वो तीन 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 करके बताती हैं। जैसे हम मेरे नीचे 12 महिलाएं जुड़ जाती हैं तो मेरे लेके वो 13 हो जाती हैं, तो मतलब मुझे 600 मिलेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेनिफिट होते जाएंगे, मतलब वो जुड़ने के लिए भी कुछ पे करना पड़ता है। हाँ, इस संस्था से ये माही केयर का जो पैड है वो खरीदना पड़ता है, सिर्फ मतलब अपने यूज़ के लिए, यूज़ के लिए पैड खरीदना। उसके बाद जो भी पैड खरीदेंगी उससे उनको फ़ायदा होता है। रीपरचेज भी करेंगी तो उनको 20% डिस्काउंट मिले, जब नेक्स्ट टाइम वो रीपरचेज करती हैं तो 20% डिस्काउंट मिले। माही केयर के फाउंडर से बात की, इनसे बात करने पे यही पता चला कि ये माही केयर स्पेशली महिलाओं के लिए है और महिलाओं से ही है, महिलाओं के हेल्थ के बारे में सोच रहा है और ये जितना हो सके उतना पर्यावरण फ्रेंडली है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए पी3 न्यूज़ के साथ बने रहिए। अपनी सहयोगी पूजा भारती के साथ मैं आशीष अमीन।